हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। तो आज आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ एक नया ब्लॉग। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के ऊपर, क्या पासपोर्ट कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बट ये जो वीडियो है ये विदाउट वॉइस होगी, तो स्टेप बाय स्टेप समझेगा, मैंने अच्छी तरह से इस वीडियो को इसमें बताया है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आप पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। Thank you.
एट द एंड ये पूछ रहा है कि इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहां पर आपको यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे ये पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और जहां पर फिलहाल अभी आप रह रहे हैं, अगर वो दोनों एड्रेस सेम है तो यहां पर यस सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने घर के अलावा कहीं दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो नो के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके प्रेजेंट एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद दोबारा आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर इस पेज पर ये कुछ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली आपको अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम और एड्रेस यहां पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में ये पूछ रहा है, तो इस केस में सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको नो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर नीचे आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और थर्ड ऑप्शन के अंदर भी आपको नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहां पर हमने पहले कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, इसीलिए हमें डिटेल्स नॉट अवेलेबल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में ये पूछ रहा है, Have you ever applied for passport but not issued? तो इस ऑप्शन में भी हमें नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, बिकॉज पास्ट में हमने कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर ये कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर नो के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, बट एक बार आप अपने हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना, उसके बाद अपने हिसाब से यस या नो के ऑप्शन को आप यहां पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पासपोर्ट का दिखाई देगा, यानी जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा तो कुछ ऐसा ओवरव्यू आपको दिखाई देगा। सिंपली यहां पर नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे फिल करवा रहा है, जिसमें आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ बर्थ के केस में आधार कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल के ऑप्शन में भी आपको आधार कार्ड के ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप SMS फैसिलिटी चाहते हैं, जिसमें आपको ₹50 का भुगतान करना होगा, तो इसमें हमें यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब हम पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएंगे उस समय हमें पासपोर्ट सेवा केंद्र में इस ₹50 का भुगतान करना होगा। इसका फायदा ये है कि जब तक हमारी अपॉइंटमेंट डेट नहीं आती तो किसी भी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार का कोई मैसेज हमारे मोबाइल फोन पर पासपोर्ट इंडिया के द्वारा हर बार भेजा जाएगा, यानी हम अपडेटेड रहेंगे अपनी अपॉइंटमेंट डेट के रिगार्डिंग। उसके बाद नीचे हमें प्लेस के ऑप्शन में अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है आई एग्री के ऑप्शन में। ये सारा फॉर्म आपका फिल हो चुका है। लास्ट में आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिखाई देगा। यहां पर सिंपली सबसे पहले वाले ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, बिकॉज हमें सबसे पहले अपनी एक अपॉइंटमेंट डेट शेड्यूल करनी है, जिस अपॉइंटमेंट डेट पर हमें पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऑफिस में विजिट करना होगा। अब अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से पहले ₹1500 की पेमेंट हमें पासपोर्ट इंडिया को करनी होगी। अब ये पेमेंट हम ऑनलाइन मोड से करना चाहते हैं, तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर ये हमारी डिटेल शो कर रहा है, तो सिंपली हमें नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमें ये हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर शो कर रहा है। उसके अलावा हमें अपनी लोकेशन को यहां पर सेलेक्ट करना है कि किस लोकेशन में हम अपनी अपॉइंटमेंट डेट बुक करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे हमें कैप्चा कोड एंटर करना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे उसी लोकेशन पर जो भी डेट आपको मिलेगी उस डेट और टाइम पर उसी लोकेशन के पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको विजिट करना होगा। अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का। इस पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप कौन से बैंक अकाउंट से ₹1500 की पेमेंट पासपोर्ट इंडिया को करना चाहते हैं।
यदि आपका अकाउंट SBI का है तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट SBI के अलावा किसी भी दूसरे बैंक का है तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यानी अदर बैंक्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब जिस बैंक से मैं पेमेंट कर रहा हूं, यानी मेरा अकाउंट ICICI बैंक में है, तो यहां पर मैं सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपको आपकी डिटेल्स दिखा रहा है, तो यहां पर सिंपली नीचे आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, यानी जिस भी कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपको पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारी पेमेंट यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमें यहां पर एक नोटिफिकेशन मैसेज भी मिल जाएगा कि हमारी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमें दोबारा अपने होम पेज को विजिट करना है। होम पेज को विजिट करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू सेव्ड फाइल्स का। इस लेफ्ट साइड में व्यू सेव्ड / सबमिटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। राइट साइड में आपको अपना ARN नंबर सेलेक्ट करना है। नीचे आपको ढेरों ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां पर नीचे आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे आपको पेमेंट स्टेटस में नॉट पेड अभी दिखाई देगा, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 24 घंटों के अंदर ये ऑटोमेटिकली नॉन पेड से हटकर पेड ही दिखाने लगेगा, तो यहां पर आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर अभी इनिशियली नॉट पेड ही शो करेगा। उसके बाद दोबारा आपको होम पेज पर विजिट करना है। होम पेज पर विजिट करने के बाद यहां पर पासपोर्ट अप्लाई करते समय काफी बार यह देखा गया है कि जब हम पेमेंट कर देते हैं उसके बाद भी हमारी अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं होती, तो इसके लिए हमें दोबारा यहां पर चेक करना होगा। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का। इस पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का। इस पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, यानी अभी तक हमारी कोई भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं हुई है। तो अपॉइंटमेंट डेट शेड्यूल करने के लिए नीचे हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर ये हमें दोबारा उसी पेज पर ले जाएगा जहां पर आपको अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करना है, यानी जिस भी लोकेशन पर आप चाहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना होगा। यहां पर अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सिंपली अपना कैप्चा कोड फिल करना है, यानी जो भी अल्फाबेट्स और नंबर्स यहां पर दिए गए हैं एज इट इज नीचे एंटर करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर दोबारा आपको यहां पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आपने सेलेक्ट किया है उस डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपके लिए कौन कौन सी डेट अवेलेबल है, इस कैलेंडर में से आपको अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिंपली बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का मैसेज हमें मिल जाएगा, यानी हमारी अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली अब बुक हो चुकी है। यहां पर हमें हमारा अपॉइंटमेंट नंबर भी मिल चुका है। अब जो भी लोकेशन डेट और टाइम हमने बुक किया है उस लोकेशन और डेट और टाइम पर हमें यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सेवा केंद्र में सबमिट करने होंगे। अब यहां पर हमें इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का। इस प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फाइनली कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। यहां पर सक्सेसफुली हमारी अपॉइंटमेंट डेट बुक हो चुकी है। उस अपॉइंटमेंट डेट पर आपको अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में विजिट करना होगा। अब पासपोर्ट सेवा केंद्र में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, सारी की सारी डिटेल्स एक अलग वीडियो में हमने डिस्कस की हुई है।
इन सब के अलावा जब आपका पूरा प्रोसेस यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सेवा केंद्र में सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपकी फाइल वेरिफिकेशन के लिए आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन भेज दी जाती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन से आपको एक कॉल आता है या फिर कई बार पुलिस कर्मी आपके घर पर भी विजिट करके अपनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब पुलिस वेरिफिकेशन में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, ये भी हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि पासपोर्ट सेवा केंद्र और पुलिस वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और इजीली आपका पासपोर्ट कोरियर के माध्यम से आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना था ये कुछ आपको समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करना।